आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबा इनू और बेबी डॉज कॉइन की जोड़ी के बारे में। जी हाँ, ये जो जोड़ी है बेबी डॉज कॉइन और शिबा इनू की, ये आने वाले एक साल के अंदर, दो साल के अंदर आपको ऐसे कमाल करती हुई दिखेगी। क्यों करती हुई दिखेगी? सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे शिबा इनू और बेबी डॉज कॉइन दोनों ही मीम कैटेगरी के अंदर आते हैं, लेकिन शिबा इनू अब एक मीम कॉइन नहीं रह गया है। बेबी डॉज कॉइन मीम कॉइन जरूर है, बेबी डॉज कॉइन बिल्कुल टक्कर यहाँ पे दे रहा है शिबा इनू को, लेकिन दूर दूर तक अभी शिबा इनू के बराबर नहीं हुआ है बेबी डॉज कॉइन। सिर्फ एक ही फैक्टर है सबसे बड़ा कि होल्डर इंक्रीज हो गए हैं बेबी डॉज कॉइन के बहुत ज्यादा। बेबी डॉज कॉइन की अगर आप देखोगे होल्डर 14,55,000 हो चुके हैं, 15 लाख की ओर बढ़ रहा है, और शिबा इनू के भी 12 लाख कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब शिबा इनू 12 पे है, लेकिन शिबा इनू जब भी बुलरन अपना दिखाएगा, सभी कॉइन्स के जब बुलरन आएंगे, तो शिबा इनू के अंदर आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते कितने लाख होल्डर इंक्रीज होंगे। तो शिबा इनू अपने होल्डर भी बना लेगा, लेकिन शिबा इनू ने अपने आज के टाइम में यूटिलिटीज बना ली हैं, यूज केसेस बना ली हैं, जो कि एक कॉइन को आगे लेके जाने के लिए बेहद जरूरी चीजें होती हैं, और शिबा इनू उसी पे जो है कदम बढ़ाकर अपना आगे चल रहा है। ठीक है, शिबा इनू की सारी चीजें आपको पता है इस साल क्या कुछ होने वाला है। और बेबी डॉज कॉइन की अगर बात करें तो वो भी शिबा इनू के नक्शे कदम पे चल रहा है। मैं बेबी डॉज कॉइन को अगर अभी आप देखोगे इतने ज्यादा यूज केसेस यूटिलिटीज नहीं है, लेकिन फोकस कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, और आने वाले एक साल के अंदर, दो साल के अंदर ये जो जोड़ी है ना दोनों की, अगर आप कोई जोड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो क्रिप्टो मार्केट की कि दो कॉइन हम ऐसे ले लें जो एक साल के अंदर, दो साल के अंदर हमको अच्छा जो है बेनिफिट दे दें, तो ये दो कॉइन्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। शिबा इनू तो है ही ऑप्शन अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मीम कॉइन कोई और भी ले रहे हो तो वो बेबी डॉज कॉइन को भी आप ले सकते हो। तो ये जोड़ी आने वाले एक साल, दो साल के अंदर आपको अच्छे कमाल करती हुई दिखेगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अभी आप देखो आगे कोई भी जाए, शिबा इनू आगे जाए या बेबी डॉज कॉइन आगे जाए, बेनिफिट होना चाहिए और बेनिफिट होगा होल्डर्स को। ठीक है, वॉर आपस में चलता रहे, शिबा इनू का डॉज कॉइन के साथ भी चलता रहता है। नंबर वन की जो वॉर है अभी भी चल रही है, जो बैटल है अभी भी चल रहा है डॉज कॉइन और शिबा इनू के अंदर कि नंबर वन पे कौन जाएगा, लेकिन वो वॉर जिसका भी चले, लेकिन जितने भी होल्डर हैं उन दोनों कॉइन्स के, उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा। कोई भी आगे जाए, अगर आगे जाएगा तो बेनिफिट सीधी सी बात होगा। और यहाँ पे अब डॉज कॉइन तो कहीं ना कहीं मामला ठंडा है डॉज कॉइन का, लेकिन डॉज कॉइन भी अच्छे कमाल इस साल हमको करता हुआ दिख सकता है। डॉज कॉइन की भी बात करेंगे अलग वीडियो के अंदर, लेकिन बेबी डॉज कॉइन इस टाइम पे डॉज कॉइन की जगह ले रहा है। ठीक है, और शिबा इनू को डायरेक्टली जो है टक्कर दे रहा है कि डॉज कॉइन अभी थोड़ा आराम कर रहा है तो बेबी डॉज कॉइन सही, और बेबी डॉज कॉइन यहाँ पे कड़ी टक्कर देता हुआ, और बेबी डॉज कॉइन भी आने वाले टाइम में जिस प्राइस पे आज शिबा इनू देख रहे हो, 4-0 शिबा इनू की आगे लग रही है, बेबी डॉज कॉइन की 8-0 है, तो बेबी डॉज कॉइन की भी 3-4-0 किल होती दिखेंगी आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। ठीक है, 3-4-5-0 भी किल कर सकता है, मतलब हम कह सकते हैं 2024 तक इन दोनों ही कॉइन्स के जो नंबर हैं, आपको अभी जो नंबर देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी शानदार नंबर रहेंगे 2024 तक, अगर आप वेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, कैपेसिटी है होल्ड करने की, दो साल अगर आप होल्ड कर सकते हैं दोनों ही कॉइन्स को, और SIP करते रहिए। एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इन दोनों कॉइन्स की वैल्यू 1 रुपये से कम है। थोड़ा थोड़ा SIP भी कर रहे हैं, पर वीक कर रहे हो, 15 डेज में कर रहे हो या 30 डेज में कर रहे हो, पर मंथ भी कर रहे हो, तो अच्छी क्वांटिटी में आपको कॉइन मिलते रहेंगे। अब आपको दो साल तक अब हर महीने दोनों में SIP कर रहे हो तो आप खुद सोच सकते हो कितना आपके कॉइन्स भी ग्रोथ होती रहेगी, कॉइन्स के अंदर भी कॉइन्स भी आपके बढ़ते रहेंगे, साथ के साथ जीरो भी किल होती रहेंगी टाइम टू टाइम, मतलब हर सीजन हमको जो है बुलरन भी देखने को मिलेगा। तो ये कहने का मतलब यह है कि बेबी डॉज कॉइन और शिबा इनू की जोड़ी आने वाले कुछ टाइम में आपको कमाल करती हुई दिखेगी, और ऐसे जबरदस्त कमाल कर सकती है दोनों की जोड़ी, आप खुद नहीं सोच सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। बेबी डॉज कॉइन अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, सबसे जरूरी चीज बेबी डॉज कॉइन की ही है। शिबा इनू आज इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन बेबी डॉज कॉइन अभी उस लेवल पे है जिस लेवल पे शिबा इनू था जब लॉन्च हुआ था, इतनी ज्यादा लिस्टिंग नहीं हुई थी। बेबी डॉज कॉइन अभी एक नया ही कह सकते हो आप, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक साल होने वाला है बेबी डॉज कॉइन को भी, इस साल हो जाएगा, और यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन
कॉइन मतलब इनिशियल स्टेज में है, और यहाँ पे आपको पता है बाइनेंस की लिस्टिंग इतनी हाइप बन रही है बेबी डॉज कॉइन की। इसके अलावा और भी एक्सचेंज जो है लिस्ट कर सकती हैं बेबी डॉज कॉइन को, तो जैसे जैसे लिस्टिंग होगी बेबी डॉज कॉइन के अंदर अच्छे सर्ज हमको देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी कम्युनिटी वाला कॉइन बन चुका है, 14 लाख होल्डर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ शिबा इनू, तो आपको पता ही है क्या कुछ रोडमैप है शिबा इनू का 2022 का। तो आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे बेबी डॉज कॉइन शिबा इनू। बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग्स हैं बेबी डॉज कॉइन की शिबा इनू की, और ये दोनों ही कॉइन्स आपको अच्छा करते हुए दिखेंगे। बाकी आप पहले रिसर्च करें तभी आप इनको खरीदें, ठीक है? आपकी रिसर्च जरूरी है, आप भी डबल श्योर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी शिबा इनू और बेबी डॉज कॉइन को लेकर। आगे जो अपडेट रहेगी टेलीग्राम पे भी आपको मिलती रहेगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।